या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 अक्टूबर 2017 दीपावली महोत्सव और हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली के पावन पर्व बरसेगा धन, माँ भरेगी भंडार, आएगी घर लक्ष्मी, आप होंगे माला माल, कोई भी नहीं रहेगा दरिद्र, क्योंकि अद्भुत है ये दीपावली। बहुत सुंदर समय है दीपावली के इस पारंपर पर, क्योंकि निशा काल में रात्रि में दीपावली पूजन होता है, तो शाम 5:55 से लेकर 6:10 तो गोदली वेला है और शाम 6:05 से लेकर रात्रि 8:30 के बीच प्रदोष वेला है। ध्यान रखिएगा, दीपावली पूजन के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है शाम 7:15 से लेकर 9:06, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त वृषभ लग्न में, स्थिर लग्न में दीपावली की पूजा करने से मां लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहेगी। ध्यान रखना, कभी भी अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी का पूजन आप करें जो शिरविग्रह लगाए, लक्ष्मी जी खड़ी नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी बैठे होने चाहिए, गज लक्ष्मी होना चाहिए, खड़ी लक्ष्मी की पूजा मत कर। खड़े लक्ष्मी का मतलब आप भेजना चाहते हैं क्या? और लक्ष्मी पूजन में हाथ नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने का मतलब राम राम पधारिए, हाथ मांगने वाली का कि हे माई दया करो, रक्षा करो, कृपा करो, ये कुछ बातें जिनका ध्यान। और सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी पूजन के बाद आरती नहीं करना, आरती करने का मतलब है अब आप विदा हो जाए, खाली प्रार्थना करिए कि आप हमारी रक्षा। तो जो दीपावली महोत्सव पर मां लक्ष्मी का जो पूजन है वो शाम 7:15 से लेकर 9:36 उस दौरान अमृत का चौकड़िया भी है, बहुत सुंदर मुहूर्त है। और यही वृषभ लगन में पूजन करना बड़ा शुभ माना जाता है। सिंह लगन मध्य रात्रि 1:39 लेकर 3:56 तक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अमावस्या 19 तारीख को रात्रि 12:42 तक की है, इसलिए सिंह लगन में पूजन करने वाले, रात्रि में पूजा करने वाले लोग रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 तक पूजा करेंगे तो उनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूं, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दीपावली पूजन का प्रदोष वेला, वृषभ लगन, हस्त नक्षत्र, तुला का सूर्य और चंद्रमा और अमृत की चौकड़िया, तो 7:15 से लेकर 9:06 तक वृषभ लग्न है, शाम 5:00 से लेकर 7:12 या 14 तक मेष लग्न है, उसके बाद वृषभ लग्न शुरू होगा, तो 7:15 के आसपास वृषभ लग्न प्रारंभ हो रहा है और रात्रि 9:06 तक वृषभ लग्न रहेगा। इस लगन में दीपदान करना, श्री मां लक्ष्मी पूजन करना, गणेश पूजन करना, कुबेर पूजन करना, बहीखाता पूजन करना, धर्म और अपने घर में धर्म स्थानों पर अपने घर में दीप प्रज्वलित करना, ब्राह्मणों को दान देना, अपने साथ जो काम करते हैं उनको मिष्ठान देना, भेंट देना, ये समय बड़ा उत्तम माना गया है। ये है सबसे उत्तम समय पूजन का जो मैंने आपको बताया। अब कब कौन पूजा करें, कब कौन पूजा करें, वे लोग जो टेक्निकल कार्यों के साथ साथ कल कारखाने, मशीनरी का निर्माता, दवाइयों के निर्माता, मेडिकल स्टोर, सामान्य निर्माण, या जो ऑफिस में पूजा करना चाहते हैं, वे सभी लोग दिन में पूजन करें। और दिन का पूजन हमेशा स्थिर लगन में करें, स्थिर लगन कुंभ लगन होता है दोपहर 12:00 के बाद, कुंभ लगन दोपहर 2:41 से लेकर 4:09 है, इस दौरान आप लोग अपने ऑफिस में पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी कल कारखाने वाले लोग जो दिन में पूजा करना चाहते हैं, अपने ऑफिस में पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए जो उत्तम समय है दोपहर 2:41 से लेकर 4:09 तक, ये समय है। इसमें आप अपने ऑफिस, कार्यालय, कारखाना, मशीनरी, जहाँ भी आपका व्यवसायिक स्थल है, आप पूजा कर सकते हैं। नमो नारायण। ध्यान रखिए कि पूजा में माँ लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर, भगवान शनि की मूर्ति, ध्यान रखना भगवान शनि का श्री यंत्र जरूर हो, ये जरूर होना चाहिए जिससे कि आपका कल्याण हो। सभी ग्रस्त लोग जो रात्रि में दीपावली पूजन करना चाहते हैं, वे सभी लोग जो सामान्य ग्रस्त लोग हैं, वे वृषभ लगन में पूजन करें। और वृषभ लगन मैंने आपको बताया है शाम 7:15 से लेकर रात्रि 9:06 तक। बड़े व्यापारी, वे लोग जो रात्रि में पूजन करते हैं, मतलब कि सिंह लगन में पूजन करते हैं,
तो सिंह लगन इस बार दीपावली पर रात्रि 1:39 से लेकर रात्रि 3:56 तक है, परंतु अमावस्या 12:42 तक है, इसलिए रात्रि में पूजन रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 तक ही रहेगा और उसके आसपास लाभ का चौगड़िया भी है। पूरी रात पूजन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमो नारायण। ये था मुहूर्त दीपावली पूजन का। अब दीपावली पूजन पर 12 राशि के लोग कब और कैसे पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें कि मां लक्ष्मी प्रसन्न हो और धन की प्राप्ति हो। मेष राशि वालों, बृहस्पति और भगवान शनि की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव तुला राशि में सप्तम भाव से गोचर करेंगे और शनि देव अष्टम भाव से गोचर करेंगे। इनको दीपावली पूजन में श्रीफल, कमल के फूल और अनार का विशेष प्रयोग पूजन में करना चाहिए और मां लक्ष्मी को शरीफे का भोग लगाइए। मेष राशि वालों, शाम वृषभ लगन में यानी शाम 7:15 से लेकर 9:06 के बीच में यदि आप दीपावली पूजन करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आप भोग लगाए ना मेष राशि वालों, तो ओम ऐं क्लीं सौः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी को शरीफा का सीताफल का भोग लगाएगा, आप पर कृपा होगी। उसके बाद श्रद्धापूर्वक शुद्ध आसन पर बैठकर, क्योंकि ये जागरण की रात भी है, दीपावली की रात, ओम ह्रीम श्रीम नमः, यदि मेष राशि वाले इस मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, बृहस्पति तुला राशि में 6 भाव से गोचर कर रहा और शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, दीपावली लक्ष्मी पूजन में नीले कमल के फूलों से, गुलाब के फूलों से सीताफल से विशेष पूजन करना चाहिए। वृषभ राशि वाले लोग रात्रि में पूजन करें, रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 के बीच में पूजन करें। और वृषभ राशि वालों, ओम ऐं क्लीं श्रीं इस मंत्र का जाप करते हुए दूध का भोग लगाएं और ये दूध गरीब कन्याओं में बांट दें। तत्पश्चात चौमुखा घी का दीपक जलाए और रात्रि में ओम ह्रीं पद्मे स्वाहा इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करिएगा, मां लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, धन की कृपा देवादिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से होती, मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती जब बृहस्पतिदेव और शनिदेव अनुकूल हो। और मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति तुला राशि पंचम भाव और शनिदेव 6 भाव से गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि वालों को दीपावली के पूजन में श्रीफल, नारियल, सात घाट हल्दी सात कमल गटे से पूजन करना चाहिए। और इनके लिए पूजन का समय है शाम 7:15 वृषभ लगन में, 7:15 लेकर 9:00 रात्रि 9:06 तक है। और ओम क्लीं ऐं सौः, ओम क्लीं ऐं सौः इस मंत्र का जाप करते 108 गुलाब के पुष्प मां लक्ष्मी को अर्पित करेंगे मिथुन राशि वालों को, तो बेड़ा पार हो जाएगा। और रात्रि में ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीय नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीय नमः इस मंत्र का रात्रि जागरण में जाप करते हुए इसका जाप करते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी। नमन है। निर्बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, बृहस्पति तुला राशि 4 भाव से, शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और दीपावली की पूजा में मिलीजुली मिठाई और हार श्रृंगार के फूल का प्रयोग करना चाहिए। जो भी आप पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन, उसमें हार श्रृंगार के फूल हो और मिलीजुली सारी मिठाइयां हो, इससे आप पूजन करेंगे। और जो मंत्र बताने जा रहा हूं कर्क राशि वालों, क्योंकि आपका जो पूजन का समय वो वृषभ लगन है, शाम 7:15 लेगी रात्रि 9:06 तक, और मंत्र है ओम ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का जाप करते हुए मखाने की खीर का मां लक्ष्मी को भोग लगाएगा, दरिद्र दूर होगा। और उसके बाद श्रद्धानुसार पूरी रात ओम नमः कमलवासना ही स्वाहा इस मंत्र का जाप करेगा, ओम नमः कमलवासना ही स्वाहा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, बृहस्पति तुला राशि 3रे भाव और शनि 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं, दीपावली में के पूजन में पके हुए पकवानों का विशेष प्रयोग करना चाहिए। जो भी आप पूजन सामग्री रखें उनके साथ साथ पके हुए पकवान बहुत जरूरी है। और जो मंत्र मैं बताने जाता हूं उस मंत्र से पूजन का समय रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 तक,
और सिंह राशि वाले लोग ओम ह्रीं श्रीं सो इस मंत्र का जाप करते पुए का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को पुए का भोग लगाना दीपावली के दिन इस मंत्र का जाप पुनः याद रखना ओम ह्रीं श्रीं सो श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का जाप करके पुए का भोग लगाइएगा, दरिद्र दूर हो जाएगा। और रात्रि भर चौमों का घी का दीपक जलाए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा कि पूरा साल धन धान्य वैभव की प्राप्ति हो। नमना निर्वात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आप चाहते हो कि सुख शांति बनी रहे, आप चाहते हो कि आपके परिवार में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप चाहते हो कि आपको वैभव की प्राप्ति हो, तो दीपावली के इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी का पूजन नीले कमल के पुष्प जरूर करना चाहिए। नीले कमल के पुष्प से पूजन करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और कन्या राशि वालों के लिए जो मुहूर्त है वो रात्रि 12 बजे से लेकर रात्रि 12:42 का पूजन का समय है। ओम श्रीं ऐं सो इस मंत्र का जाप करते मूंग के दाल के हलवे का भोग लगाइएगा माई को, आपका कल्याण हो। घर में फिर चौमों का घी का दीपक जलाइए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत पुरुषते नमः, हंसो जगत पुरुषते नमः। पूजन के बाद सभी राशि के लोग अपने घर के हर कोने में सरसों के तेल के दीपक जलाए। इस बार ध्यान रखना, ये लापरवाही मत करना कि भी हमने लाइटें लगा, ठीक है लाइटें लगाई, लेकिन घर का हर कोना, छत से लेकर हर कोना में सरसों के तेल के दीपक जलने चाहिए, जिससे कि इन संपूर्ण संक्रामक जो बीमारियां उससे पीछा छूटे, सकारात्मक ऊर्जा है नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूटे और घर में वैभव और सुख समृद्धि हो और पारिवारिक संतुलन बना रहे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत पुरुषते नमः। कन्या राशि वालों, ये मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, लगन से बृहस्पति गोचर कर रहे हो, शनि दूसरे भाव से गोचर, जो आपकी पूजा सामग्री है मां लक्ष्मी की उसमें चंपा के फूल जरूर होने चाहिए। चंपा के फूल से मां का पूजन करिएगा। वृषभ लगन का समय आपके लिए 7:15 से लेकर 9:06 तक। और माई को जो मंत्र मैं बता रहा हूं ओम ह्रीं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करते हुए मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाइए, मां लक्ष्मी को आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं इस मंत्र का जाप करके मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना मां लक्ष्मी को दीपावली के दिन बड़ा शुभ माना गया है। उसके बाद रात्रि में अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाई, घी का चौमों का दीपक जलाई, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, जितना हो सके रात्रि में जाप कर लेना, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। नमनन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति तुला राशि 12वें भाव से और शनि लगन भाव से गोचर कर रहे हैं, दीपावली के पूजन में खील और पतासों का प्रयोग अधिक से अधिक करें और माई को गुलाब के पुष्प भेंट करें। पूजन का समय रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 का समय रात्रि पूजन है वृश्चिक राशि वालों आप लोगों को। और मेवा का भोग लगाएं, मंत्र में बता देता हूं ओम ऐं क्लीं सो इस मंत्र का जाप करते हुए मेवा का भोग लगाएं और रात्रि भर अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाई, फिर घी का दीपक जलाई और श्रद्धापुर परिवार के लोग ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि रहेगी। नमनन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, बृहस्पति तुला राशि 11वें भाव से गोचर कर रहा है और शनि 12वें भाव से गोचर कर रहा है। पूजन सामग्री जो भी आप पंचोपचार पूजन धूप दीप नैवेद्य पुष्प राक्षत अर्पित करते हैं, खील बतासे आप रखते हैं, तो आप अनार और चीकू का अपनी पूजा में समावेश कर लेना। अनार और चीकू से माँ लक्ष्मी का पूजन करना बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी माना गया। धनुराशि वालों, जो आपका पूजन का समय है वो 7:15 से लेकर 9:06 तक है, बड़ा शुभ माना गया है। और सभी प्रकार से कि जो मिठाइयाँ हैं वो मिठाइयाँ ओम ह्रीं क्लीं सो इस मंत्र का जाप करते हुए भोग लगाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाई और साथ में घी का चौमू का दीपक जलाई और श्रद्धानुसार ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करने से दारिद्र दूर होगा, घर में लक्ष्मी आएगी और संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। नमनन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, बृहस्पति तुला राशि 10वें भाव
और शनि 11वें भाव, जो आप पूजन करते हैं या जो आप पूजा करेंगे मां लक्ष्मी की दीपावली के पावन पर्व 19 तारीख को, आपका समय रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 तक है। आपको अपने पूजा में केसर का प्रयोग जरूर होना चाहिए और केसर युक्त मिष्ठान माई को भोग लगाना चाहिए। और भोग लगाते समय ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सो, ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सो इस मंत्र का जाप करें। रात्रि में पुनः पूजा के बाद अपने घर में सरसों का तेल का दीपक और चमों का घी का दीपक जलाई और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिदा प्रसिदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम इस मंत्र का श्रद्धानुसार माला जाप करेगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपकी जिंदगी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमन और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो बृहस्पति तुला राशि नवम भाव शनि दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बार आप अपनी पूजा में लाल कमल के पुष्पों का समावेश करें। जो भी आप पूजन शामिल रखते हैं उसमें लाल कमल के फूल जरूर होना चाहिए। शाम जो पूजा का समय है वो रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 का समय है। ओम रिंग क्लिंग श्रिंग इस मंत्र का जाप करें, मोतीचूर के लड्डू का माई को भोग लगाएं, आपका कल्याण होगा। और रात्रि में सरसों का तेल का दीपक, चमों का दीपक, घी का, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः इस मंत्र का रात्रि भर जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, बृहस्पति तुला राशि में अष्टम भाव से और शनि नवम भाव से गोचर कर रहा है, दीपावली के पूजन में गुलाब अनार और सिरपल का प्रयोग करिएगा और जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र का जाप करते हुए सफेद मिठाई। और आपका पूजन का समय रात्रि 12 बजे से लेकर 12:42 है। ओम रिं क्लीं सो इस मंत्र का जाप करते सफेद दूध से बनी मिठाई का भोग लगाए माई को, मां लक्ष्मी को, कि आपका कल्याण हो। और रात्रि में सरसों का तेल का दीपक और घी का चौमों का दीपक जलाकर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः याद दिलाना चाहता हूं 19 अक्टूबर 2017 दीपावली महोत्सव और संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। दीपावली का पूजन, जो लोग दीपावली के दिन में पूजा करेंगे, जो सारे ऑफिसों में कार्यालयों में पूजा करेंगे, दिन में पूजा करने के लिए दोपहर 2:41 से लेकर 4:09 का समय है, वो दिन की पूजा का समय है। जो लोग रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सभी ग्रस्त लोगों के लिए रात्रि पूजन का जो समय है वो है वृषभ लगन, और वृषभ लगन है 7:15 से लेकर 9:06 तक। उसमें अमृत का चौघरिया भी है, प्रदोष वेला भी है, हस्त नक्षत्र भी है, तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा भी है, बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है रात्रि 7:15 से लेकर 9:06 का समय दीपावली पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। और जो लोग रात्रि में पूजा करना चाहते हैं तो इस बार 12:42 तक ही अमावस्या है, इसलिए रात्रि पूजन 12:00 से लेकर 12:42 तक करेंगे। यानी जो सिंह लगन वाले लोग हैं वो रात्रि 12 बजे से शुरू पूजा करें और 12:42 समाप्त कर दें। सिंह लगन अमावस्या में नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करी कि आपके कहीं काम आऊं। पुनः एक बार हृदय से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज दीपावली है, दीपावली के बाद 19 अक्टूबर को दीपावली और 20 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 21 अक्टूबर को भैया दूज है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का भोग भगवान हरि नारायण को, माधव को, भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग, 56 प्रकार के भोग लगते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग श्रद्धापूर्वक गोवर्धन पूजा करते हैं तो माधव की अति कृपा बरसेगी। 12 राशियों का मैंने बताया था कि मेष राशि वाले लोग गोवर्धन पूजा के दिन पंचामृत का भोग लगाए तो उनका दारिद्र दूर होगा। वृषभ राशि वाले लोग शहद का भोग लगाए गोवर्धन पूजा में, अन्नकूट में, भोग में शहद का प्रयोग करें तो उनकी जीवन की समस्याओं का निवारण होगा। और मिथुन राशि वाले मिश्री का भोग लगाए तो उनके जीवन की संपूर्ण दारिद्र दूर होगा। कर्क राशि वाले लोग गोवर्धन पूजा में अन्नकूट भोग के समय दूध का प्रयोग करें तो उनका कल्याण होगा। और सिंह राशि लोग जो पंजीरी होती है उससे भोग लगाएंगे तो उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों,
यदि आप सूखे मेवे का भोग लगाते हैं गोवर्धन पूजा में, अन्नकूट भोग में सूखे मेवे का भोग लगाएगा भगवान श्री कृष्ण को, आपका कल्याण होगा। तुला राशि वाले लोग दही में मिश्री मिलाकर भोग लगाएंगे तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा 20 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है, सभी लोग माधव को भोग लगाएंगे। मैं राशियों के अनुसार भोग बता रहा हूं। वृश्चिक राशि वाले सौंठ के लड्डू का भोग लगाते हैं तो उनका दारिद्र दूर होगा, और धनु राशि वाले लोग यदि पेठे का भोग लगाएंगे तो उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों चावल और दूध की बनी खीर का भोग लगाइए, आपका कल्याण होगा। और कुंभ राशि वाले लोग मेवे की मिठाई का भोग लगाते हैं तो उनका कल्याण होगा। और मीन राशि वाले लोग रबड़ी की जो भोग है, रबड़ी का मालपुआ, इसका भोग लगाएंगे तो मीन राशि वालों के लिए कल्याण। तो गोवर्धन पूजा ने 20 अक्टूबर को अन्नकूट में 12 राशियों के लोग क्या भोग लगाए कि उनका दारिद्र दूर हो, मेरा अनुभव है, मैं लादता नहीं हूँ, संतों से सुना, आपको बता दिया। 1 तारीख को भैया दूज है, मतलब 21 तारीख को भैया दूज है, और भैया दूज के दिन सभी भाई अपनी बहन के यहाँ जाते हैं और उस दिन बहन से तिलक करवाते हैं, रक्षा सूत्र बंधाते हैं और बहन के घर भोजन करते हैं। यदि आप अपनी बहन के घर भैया दूज के दिन भोजन करेंगे, बहन से तिलक लगाएंगे और रक्षा सूत्र बंधाएंगे तो पूरा साल आपको खुश है। और आपके लिए जो सबसे उत्तम समय है वो दोपहर 1:12 से लेकर 3:30 का जो समय है बहुत अच्छा, या 3:27 तक या 3:25 तक का, 1:12 से लेकर 3:25 का समय रक्षा सूत्र बांधना है। भैया दूज का जो पूजन का समय है वो 1:12 से लेकर 3:25 का शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दौरान बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे, तिलक करे और अपने हाथों से भाई को भोजन कराए, आपका कल्याण होगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण।